तेरे पास क्या तो सफर कर मैं तो केस के अंदर गया हूं वो मैं डक्स को बताऊंगा दूसरा खाली सब मेरा नेदरराइट का आर्मर के लिए क्या मतलब मुझे चाहिए था इसलिए यार मैं बताता हूं मैं डक्स को बताऊंगा हां यार क्या है तुम रूल्स तोड़े फजूल के तुम लोगों ने खुद रूल्स बनाए और ओनर्स खुद रूल्स तोड़े ये क्या बदतमीजी है यू नो व्हाट अगर आप किसी SMP में खेलते होंगे तो आपको ये तो पता होगा कि हर एक SMP के अपने रूल्स होते हैं एंड अगर आप वो रूल्स फॉलो ना करो तो आप उस SMP से बैन भी किए जा सकते हो बट व्हाट इफ कि एक ऑनर ही ना अपने SMP के रूल्स फॉलो करे सो बेसिकली आज का मोटिव मेरा यही होने वाला है कि मैं होने वाला हूँ अपनी SMP से बैन एंड बैन होने के लिए मुझे करने पड़ेंगे रूल्स ब्रेक सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो इसको कैसे पता लगा A few moments later. Okay, XP farm ke paas hai. Let's go. Gaya hai andar. Okay. Nikal. Bhagao. Nikla. Bhai. सामान पकड़ो इसका क्या गंद पदा पकड़ा हुआ है बस से रखो इधर क्या है मेरी 30 XP थी क्या हुआ है भाई मेरी 30 XP थी एक घंटे जमा कर लो क्या है मेरी XP वापस दे XP कौन सी वापस दूं कैसे दूं जाके खुद कर क्या मतलब जितनी भी XP थी मेरी वापस चाहिए मुझे क्यों मारा बिना मुझे नहीं पता तू अपनी XP अपने पास रख मैं मेरी XP फिर वापस लो मैं घंटे से XP जमा कर रहा हूं तो मैं मेरी सारी XP ले रही कुछ नहीं होता भाई XP आन जान की चीज है ठीक है हम हां स्ट्रांग बच्चा बन स्ट्रांग बच्चा अच्छा कोई बंदा अच्छा चला जाएगा फिर तू क्या करेगा जरा स्ट्रांग बन क्या है यार मैं XP वापस करवा दिया मैंने मारने तुझे फिर ये XP हां ठीक है आके मार ले मसला नहीं आ जा मेरा सामान वापस कर कौन सा सामान सामान के लिए तो मैंने तुझे मारा था सामान नहीं मिलने वाला भाई यार क्या है तुम रूल्स तोड़े फजूल के तुम लोगों ने खुद रूल्स बनाए और ओनर्स खुद रूल्स तोड़े ये क्या बदतमीजी है बस यही बदतमीजी है बस ऐसी बदतमीजी है चलना है तो चलो ऐसे यही होगा भाई पर क्या है वापस नहीं मिलना छोड़ूंगा नहीं मेरी XP वापस थोड़ा मैं कैसे दूं क्या बोल रहा है मैं नहीं दे रहा कोई XP वापस वापस जाके खुद ही करूं ठीक है जाके डक्स को भी बताते मुझे फर्क नहीं पड़ता जा बता Hey, Dux, what's up? मैं ठीक दूसरा कॉल क्योंकि क्या हुआ हाँ एक बात पूछनी थी कि ये जो एक्सरे है ये लगाना SMP में बैन है ना डक्स SMP में हाँ एक्सरे तो बिल्कुल बैन है भाई किसी ने एक्सरे कर दिया ना गलती से मेरे को खबर भी आ गई ना मैंने सिर्फ बैन कर दिया बिल्कुल अगर तुम बताना मुझे अगर किसी ने एक्सरे यूज किया किसी ने किया है क्या नहीं नहीं वही मैं पूछ रहा हूँ अगर कोई एक्सरे यूज करे तो वो तो खत्म है बस SMP से बैन प्रॉपर मतलब पूरी जिंदगी के लिए
नेक्स्ट रोज आ जाता है हम किसी आर्मी वाले के मतलब लाइट्रा के बेस में उसके परमिशन के अलावा नहीं घुस सकते। भाई मैं बता रहा हूँ घुसूंगा भी और तोड़ूंगा भी, रोक के कोई दिखाओ। अभी एक काम करते हैं, पहले तो वैन पे दौड़ो भाई, क्या बकवास थे भाई, तोड़ो क्या ये गंदा मुंह, तोड़ो भाई तोड़ो, क्या गंदा तोड़ो, इतना जाएंगे वापस, तोड़ो 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 तोड़ो। ओके अब काम करते हैं, डिक करके नीचे जाते, क्या डिक करके, मैं तो यही कहता हूँ डिक करके जाता है नीचे, साइड पे रास्ता भी है भाई, लेट्स गो। ओके आधा तो बेस ऐसे ही टूट गया, नो वे, इसका इसका ये तोड़ो भाई, इसका तोड़ो 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 कोई भाई है इसका सीक्रेट रूम जहाँ पर हम ब्लॉक्स की बरसात करेंगे। लेट्स गो भाई, भागो 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 भागो, आखिरी आर्मी बनेगा, आर्मी चीज बनेगा साले। वैसे यार लाइट्रा सॉरी अगर ये वीडियो देख रहे हो, आई रियली सॉरी। और ये एमपी की भी प्रॉपर्टी है तो लाइट्रा। अब जैसे ही मैंने लाइट्रा का हेडक्वार्टर तोड़ दिया था तो मुझे उसके अगले दिन लाइट्रा की कॉल आई एंड ही सेड लेट्स सी, ओह माय गॉड, हेलो भैया मेरे आर्मी हेडक्वार्टर को किसने तोड़े? मुझे क्या पता, अबे मुझे क्या पता, मतलब क्या मतलब यार, ये किसने तोड़े? मुझे क्या पता किसने तोड़ा होगा, तू किसी और से जाके पूछ, मेरे से क्या पूछ रहा है? अबे भाई नहीं, क्यों ले, तू ही उस वक्त एसएमपी में सिर्फ फोन लेने भाई, पहली बात कि तूने एक रूल तोड़े, तू आर्मी बेस के अंदर भी गया और तूने ऊपर से तोड़ा भी है, तेरे पास क्या, तू सबर कर, मैं तो बेस के अंदर गया हूं, वो मैं डक्स को बताऊंगा, तू खाली सब्र कर, ये क्या बात हुई भाई, तू सिर्फ उस टाइम ऑनलाइन था और भूत ने आके तोड़े? भाई मुझे नहीं पता, जैसे अब जिसको भी बताना है बता, डक्स को बताना है बता, तू सबर कर, तू सबर कर, सबर कर जा, मैं बताता हूँ, तू सबर कर, बताता हूँ, मैं भी इधर हूँ, तू भी इधर, सबर कर जा बेटा, ठीक है देख लेते हैं। पता है गाइस क्या करने वाला हूँ, एक सेकंड, क्या सामान है इसके पास, नेचर का, एक सेकंड साल, ओके लेट्स गो, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, टेंशन नहीं लेनी, लो लो उठाओ 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 भाई। सुल्तान का भी ले लिया इसका भी, ओह नेदर के सारे, क्या एन्चेंटमेंट्स है, मतलब मेरे जैसी है लेकिन ठीक है। ओह शिट नॉइज़ की कॉल आ रही है, ओके लेट्स सी, हेलो मेरा नेदरराइट का आर्मर क्यों लिया, क्या मतलब, मुझे चाहिए था इसलिए, मैंने ओ क्या हो गया, मैंने इतनी मेहनत तो की थी, ली थी मैंने, तेरे देख तुझे भी मारा है तो दे देता हूँ, दे दे वापस, नहीं नहीं मैंने इसलिए तुझे मारा ताकि मुझे सामान चाहिए, इसलिए नहीं मारा ताकि, दे यार, नहीं भूल जा, कौन है भाई तू, मैं नहीं जानता तुझे, भाग गया यहाँ से, यार मैं बताता हूँ, मैं डक्स को बताऊंगा, हाँ ठीक है, जब जा बताते रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू डक्स को बताता है जिसको बताता है, मैं जा रहा है। ओके अब हम जाते हैं एंडर चेस में एंड इधर से उठाते हैं TNT एंड फ्लिंट, एंड नेक्स्ट हमारा था कि हमें SMP की प्रॉपर्टी को बर्बाद नहीं करना, SMP की प्रॉपर्टी बर्बाद नहीं करनी है, वैसे ये मुझे बहुत प्यारा है क्योंकि ये मैंने खुद ही बनाया था, एंड शिट नो वे, ओ शिट डक्स ने देख लिया, बहुत मारेगा यार, बहुत मारने वाला है, वो शिट ओह शिट, एक सेकंड ये नॉइस के, एक सेकंड ओह शिट ये, ओह शिट नॉइस कितने कहाँ से मुझे देख लिए, जो भी मैं तो फाड़ा,
जो भी अब देखा है देखता रहे। निकलो 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 देखते रहे। हालत तबाह हो गई है शेड लो वे। आफ्टर डिस्ट्रॉइंग डक्स एस एम पी प्रॉपर्टी मुझे आ गई डक्स की कॉल एंड मैंने सोचा वाई नॉट इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए एंड एस एम पी का लास्ट रूल भी ब्रेक कर दिया जाए। हेलो क्या हुआ डक्स आपकी कॉल आई है? हाँ हेलो कैरिटी अभी बिजी तो नहीं हो? नहीं क्यों? अच्छा तो ना मुझे ना नॉइस किल्ड और सुल्तान पता नहीं काफी लोगों की मैसेजेस आ रहे हैं और वो मुझे पता नहीं कह रहे हैं कि तुमने पता नहीं एसएमपी में क्या किया। मैं अभी आया दो तीन दिन से आया नहीं मुझे पता नहीं क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मजाक हो रहा है ना ये सीरियस तो नहीं है ना? क्या मतलब आपको क्या मैसेजेस आ रहे हैं? मुझे तरह इसको पता नहीं क्या मारा है ऐसा मारा सामान वगैरह वो करती है बड़ा तंग आया है वो नॉइस किड कह रहा है उसको पता नहीं तुम क्या रूल्स तोड़ रहे हो एसएमबी के। मैंने से कहा क्लैरिटी तो रूल तोड़ नहीं सकता वो तो खुद ओनर है वो कैसे तोड़ेगा। मैं कैसे रूल तोड़ूंगा यार उसने ना मुझे ऐसे दिखाया भी है ना तो ऐसा करो यार मैं एसएमबी के अंदर अभी आओ अभी मुझे देखना है ना मैं खुद देखता हूँ। ठीक है तुम कह रहे हो ना नहीं किया था मुझे मैं कह रहा हूँ एसएमपी खोलो अभी आता हूँ मैं। ठीक है अभी वही कह रहा हूँ फ्री है ना कोई मसरूफ नहीं है मेरे को अभी आ रहा है एसएमपी के। ऑनलाइन है ना? हाँ ऑनलाइन है ठीक है उसमें आ रहा है। एक सेकेंड क्या हुआ? एक सेकेंड ये किसने किया? एक सेकेंड ओ माय तुमने किया ना? सच से बताओ तुमने किया ना? ये बंदा मैं भाग रहा मैं बता रहा हूँ ठीक है किया। ये देखो इतना पुराना हॉल है देखो आधे से ज्यादा तो ये उड़ गया हमारा हॉल अब में इतना पुराना बिल्ड है ये। नहीं तो मैं कैसे करूँगा ये बताया तुमने फाड़ा ये आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने फाड़ा है क्या उससे बोलो कोई प्रूफ है तो बताए क्या मतलब है। हेलो नॉइस किड सच में बताया तो मुझे सच से बता दो गाड़ी देखो सच से बता दो भागना मत देखो पता चल गया यहाँ से तुमने फाड़ा है। अच्छा मैंने पूछा आओ आपको ये बताया ना आप क्या कर रहे हो सबसे पहला बिल्ड है सेशन का मत करो नहीं बस अब हो गया आपके पास कोई प्रूफ नहीं है मेरे को बोल रहे हो अच्छा मेरे पास प्रूफ नहीं है तो तुमने पूरा मेरा घर की तबाह कर दिया। बस दिल कर रहा था क्योंकि मैं इरिटेट हो रहा था। तमाशा किया मेरा घर पूरा उड़ा दिया ऐसे मजाक ये देखो घर का मजाक नहीं है यार ये क्या किए? रुको जरा मैं आपको एक नजारा दिखाता हूँ आपने आपके पास सामने तुमने पूरा मेरा सारा घर तबाह कर दिया यार कुछ नहीं छोड़ा कुछ भी नहीं है। देखो प्रूफ कहाँ गया कोई बात करेगा ना तो अबे ये क्या किया ये किया मैंने देखो फिर से कर दिया ये आपके शिकारी का घर भी गया भाई। शिकारी के घर को हाथ लगाओ हाथ लगाया ना पहले अभी बैन कर दूंगा अभी इसी वक्त क्या मतलब ओए यू नो व्हाट ठीक है तुम्हें घर उड़ाने का बहुत शौक है ना मैं तुम्हें एसएमपी से बैन किया ठीक है क्यों एसएमपी से बैन करा मैं ऐसे भी से बैन कर रही हूँ। हाँ